मेरा लड्डू किथे? दस मेनू किथे है मेरा लड्डू? मुझे क्या पता माँ जी, मैंने थोड़ी लिए। तू जो मेरे साथ कर रहा है ना, सब पता है मुझे। आपको कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता आपको। अगर आपको पता होता ना तो आप प्यार से हमारी बात मान लेती। पुत्र तू जरा सबर कर, तुझे तो मैं देख लूंगी। तू भी ना इसके साथ रली हुई है, दोनों आपस में रले हुए हो, पता है मुझे। आपकी भी मुझे समझ नहीं आती। ओ मैं क्या करूं माँ जी, कौन सा काम है? चाचा जी, हाँ जी, जरा दुकान संभालो, मैं अभी आया। डॉक्टर साहब, माँ जी की तबीयत बड़ी खराब है, इसी वजह से तो यहाँ आया हूँ। देखो रफी मियाँ, तुम रोज रोज बहस करने आ जाते हो, ऐसे अच्छा नहीं लगता। एक कोशिश ही तो है जो इंसान कर सकता है। मैंने बहुत समझाया माँ जी को, लेकिन वो किसी की बात मानने को तैयार ही नहीं। देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ, पहले तो परहेज से गुजारा चल रहा था, लेकिन अब माँ जी को गोली खाने पर माइल करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब, कई दिनों से माँ जी की डांट भी खा रहा हूँ, सारी मीठी चीजें भी उनके कमरे से गायब कर दी। पर डॉक्टर साहब, जो आप कर सकते हैं वो मैं थोड़ी कर सकता हूँ। चलो ठीक है, सुबह मैं तुम्हारे घर आता हूँ। शुक्रिया डॉक्टर साहब, वो मैं आपके लिए मिठाई लाया हूँ। और रहने दो, इसकी क्या जरूरत थी? डॉक्टर साहब, घर वाली बात है, मैं कौन सा बाजार से खरीद कर लाया हूँ, दुकान है अपनी। अच्छा ठीक है, शुक्रिया, कल मिलते हैं। ओए होए, फिर वही बात। देखिए माँ जी, ये आपके खून की टेस्ट रिपोर्ट है, इसमें हद से ज्यादा शुगर आई है। ओ डॉक्टर, तेरे टेस्ट में तो सिर्फ शुगर आई है, वरना हमारे खून में तो गुड़, शक्कर, चीनी न जाने क्या क्या है। आखिरकार हलवाइयों का खानदान जो है। ओहो माँ जी, मैं आपको कैसे समझाऊं, अगर आपने एहतियात ना की ना तो ये बीमारी आपकी जान भी ले सकती है। हैं? ओ जान जाए मेरे दुश्मनों की, मैं तो हकीम से ये देख पुड़ियां लेकर आई हूँ, एक रोज की खाऊंगी तो जान में जान आएगी। हाँ ओ माँ जी, आपको कैसे समझाए, ये हकीम के बस का खेल नहीं है, आप मेरी बात को प्लीज समझने की कोशिश करें। बड़ा समझ लिया, तुम दोनों ना मेरा दिमाग खराब ना करो, चलो निवे निवे होकर निकल जाओ, चलो। देखो रफी मियाँ, तुम्हारे कहने पर मैं दोबारा आ तो गया, लेकिन तुम्हारी माँ को दुनिया का कोई बंदा नहीं समझा सकता। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, आप माँ जी आप भी ना, डॉक्टर साहब। ओ मेरा लड्डू किथे? ओ लड्डू तो बताता जा। से होता है गोद में रख लूं सर तेरी, और नींद आए अब कहां है। अपना ख्याल करा करें, क्यों इतनी फिक्र करते हैं आप? फिक्र क्यों ना करूं, हर वक्त डर लगा रहता है माँ जी को कुछ हो ना जाए, इसलिए लगा रहता हूं। कभी ना कभी तो माँ जी इलाज के लिए मां नहीं जाएंगी। आपको मालूम है ना, माँ जी की जिद के आगे कभी कोई टिक पाए। अगर वो जिद्दी हैं, तो मैं भी उन्हीं का बेटा हूं, लेकिन मैं मां जी को कभी कुछ होने नहीं दूंगा।
रफी, खैर तो है सब? डॉक्टर साहब से मिलने आया। डॉक्टर साहब तो तुम्हारे घर ही गए। मेरे? हाँ, वो कोई तुम्हारे घर से आया था उन्हें बुलाने, और डॉक्टर साहब जल्दी में भी लग रहे थे। तू है जहाँ से प्यारी माँ, छोड़ी ना कभी साथ मेरा। और मेरा लड्डू किथे? माँ जी, ओए मेरा लड्डू किते? माँ जी मैं तो कुछ और ही सब। लड्डू ये है? ओए लड्डू नहीं बेवकूफा, मेरा असल लड्डू तो तू है। वे डॉक्टर साहब, ले आ दे गोली मैं खावा। क्या ये हुई ना बात? माँ जी, वाह कमाल हो गया। लड्डू मीठा चीनी से नहीं, रिश्तों की मिठास से होता है। गोद में रख लूं सर तेरी और नहीं।